अच्छा ये क्वेश्चन देखते हैं। फिगर शोज अ स्प्रिंग फिक्स्ड एट द बॉटम एंड ऑफ एन इंक्लाइन 37 डिग्री। स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास 2 kg स्टार्ट स्लिपिंग डाउन द इंक्लाइन फ्रॉम अ पॉइंट 4.8 मीटर अवे फ्रॉम द स्प्रिंग। द ब्लॉक कंप्रेसेस द स्प्रिंग 20 सेंटीमीटर, स्टॉप्स मोमेंटरली एंड देन रिबाउंड थ्रू द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर अप द इंक्लाइन। फाइंड द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन द प्लेन एंड द ब्लॉक, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट। इजी है क्या है? देखो 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 क्या है? अगेन यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे। अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम तो यहाँ पे इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 है। फाइनल माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया ना, तो दिस विल बी इक्वल टू चेंज इन द वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। देखते हैं यहाँ पे तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है यहाँ पे। तो एम जी साइन 37 और कितना डिस्टेंस जाएगा, ये 4.8 जाएगा प्लस 20 सेंटीमीटर का, तो 5 हो गया यहाँ पे, 5 मीटर हो गया ना। हाँ 5 मीटर हो गया यहाँ पे। तो इतना डिस्टेंस वर्क डन भाई, डाउनवर्ड पॉजिटिव ही होगा फिर वर्क। अब यहाँ पे हम लोग को ये देखना होगा, वो ये देखना होगा कि फ्रिक्शन फोर्स कितना वर्क कर रहा होगा। फ्रिक्शन फोर्स नेगेटिव ही वर्क करेगा, तो म्यू एम जी कॉस 37। फ्रिक्शन फोर्स कितना वर्क करेगा, वो भी सेम डिस्टेंस के लिए 5 वर्क करेगा। एंड जो यहाँ पे मेरे को वर्क टन वर्क वर्क अच्छा पहले तो हम लोग को अगर फ्रिक्शन कोएफिशिएंट निकालना है तो हम लोग देखो, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट अगर निकालना है तो हम स्प्रिंग का जो एनर्जी है वो कैसे हटा देंगे एक्सप्रेशन में से। देखो तो जब ये आएगा नीचे आएगा 5 4.8, तो यहाँ तक आया, यहाँ तक 4.8 आया, फिर यहाँ से ये 0.2 मीटर और गया, फिर वापस ये 0.2 मीटर आ जाएगा। तो जितना वर्क डन बाय दी स्प्रिंग है दोनों केसेस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। फिर आप ये देख सकते हो कि वापस ये जब ऊपर जाके ब्लॉक कितना ऊपर जा रहा है कह रहा है, 1 सेंटीमीटर 1 मीटर ऊपर जा रहा है कह रहा है ना। तो हम लोग वापस से अगर यहाँ पे वर्क डन जब ये ऊपर जाने वाला है तो हम लोग ये कह सकते हैं कि एम जी साइन 37 जब ये ऊपर जा रहा है तो वर्क करेगा -1 का, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे जब दिस इज़ द वर्क डन, यहाँ पे वेट भी डाउनवर्ड डायरेक्शन पे है, डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड डायरेक्शन पे, तो इसीलिए पॉजिटिव वैल्यू है। यहाँ पे ये नेगेटिव इसलिए है क्योंकि फ्रिक्शन ऑपोजिट है, डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन पे है। यहाँ पे इसलिए नेगेटिव हो रहा है क्योंकि वेट डाउनवर्ड है और डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है, इसीलिए नेगेटिव हो रहा है। एंड यहाँ पे भी है म्यू एम जी कॉस 37, ये भी नेगेटिव होगा क्योंकि ये फ्रिक्शन ऑपोजिट लगता है डिस्प्लेसमेंट के हमेशा। तो यहाँ पे 1, तो यहाँ पे एंड अपने यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो पोटेंशियल है, ये स्प्रिंग वर्क डन बाय द स्प्रिंग, ड्यूरिंग द मोशन डाउन विल बी कैंसल्ड बाई वर्क डन ड्यूरिंग द मोशन अप। तो इसी वजह से ऑफकोर्स ना, ये जितना नीचे जाने पे वर्क करेगा स्प्रिंग पे उतना ही पोटेंशियल एनर्जी वापस से ये ऊपर आने पे लूज कर जाएगा, तो इसकी वजह से आपको वो कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके बेसिस पे आप जब कैलकुलेट करोगे आई थिंक आपका म्यू की वैल्यू 1/2 आ जाएगा आपका। यहाँ से इसको सॉल्व करो, 0 हो जाएगा सारा वैल्यू, आपको पता है यहाँ पे एम की वैल्यू शायद 2 kg दी हुई है,
यहाँ पे जी की वैल्यू आप 10 ले लो, साइन 37 वुड बी 3/5, कॉस 37 वुड बी 4/5, एंड उसके बेसिस पे आप म्यू की वैल्यू निकाल लो एंड म्यू की वैल्यू आपको 1/2 आ जाएगा। नेक्स्ट, अब आपको स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना है। अब आपको स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना है तो आप सिर्फ वन पार्ट ऑफ द मोशन कंसिडर करो। कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से एकदम, जब ये ऊपर से एकदम नीचे तक आ रहा है, मैं पूरा का पूरा कंसिडर कर रहा हूँ, तब जाके मेरे को स्प्रिंग कांस्टेंट पता चल जाएगा। तो इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी अगेन जीरो है। वर्क डन बाई एम जी, ये वेट साइन 37 एंड कितना 5 तक, ये क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड है, फोर्स, वेट का फोर्स भी डाउनवर्ड है, तो ये दोनों पॉजिटिव हो जाएगा। बट मेरा म्यू एम जी कॉस 37 ये 5, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स सबके डिस्प्लेसमेंट का ऑपोजिट रहेगा, तो इसकी वजह से ये नेगेटिव हो जाएगा। एंड वर्क डन बाय दी स्प्रिंग, स्प्रिंग अपोज करेगा, तो इसकी वजह से वर्क डन बाय दी स्प्रिंग नेगेटिव हो जाएगा। कितना कंप्रेशन में जा रहा है? ये एक्स की वैल्यू यहाँ पे 0.2 मीटर है, याद रखना, 0.2 मीटर है, याद रखना। एंड ये वर्क डन बाय दी स्प्रिंग नेगेटिव इसलिए है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन पे है और जो फोर्स जो स्प्रिंग लगाएगा वो अपोजिट डायरेक्शन पे लगाएगा, सो इसीलिए ये नेगेटिव है। तो इसके बेसिस पे हम लोग को सारी एक्सेप्ट एक्स सारा वैल्यू पता है, तो के की वैल्यू यहाँ से भी निकालो, आपको आई थिंक 10^3 न्यूटन पर मीटर वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करो। बेसिक सिंप वर्क एनर्जी थ्योरम ही लगाना था, बाकी सब इजी है। ऑल राइट।